हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज BPCL की, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे इस स्टॉक ने एक तरह से अपने शेयर होल्डर को, अगर हम बीते कुछ टाइम की बात करें, तो बहुत शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 6 मंथ में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिला है, मात्र 6% की तेज़ी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर एक साल में अगर आप देखें, तो इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को 88% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट एक्शन से भी अपने शेयर होल्डर को मुनाफा पहुंचाया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो BPCL ये कंपनी है जो बेसिकली आपको पता है कि ऑयल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से बेसिकली बिलोंग करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इंडिया के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो मुंबई आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में अगर हम बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन डाउनस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली है, जो बेसिकली अगर आप देखें तो ये कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है खास करके। और यहाँ पे BPCL का आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है, यानी Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी यहाँ पे आज के डेट में पब्लिश करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे BPCL के शेयर पे आज के डेट में आपको नजर बना के रखना चाहिए, यहाँ पे आज कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BPCL के अबाउट जानते हैं और इसकी फंडामेंटल की भी एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो आपको जरूर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा, जिसे आने वाला अपडेट उनको भी मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले भारत पेट्रोलियम की हम थोड़ी सी फंडामेंटली देख लेते हैं कि स्टॉक किस तरह से यहाँ पे आगे परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें BPCL की, तो BPCL में जो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रहा होगा कि फिलहाल लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है, ऑलरेडी लार्ज कैप की पहले से भी थी और अभी के टाइम पे भी लार्ज कैप की कंपनी है। 1,39,461 करोड़ का फिलहाल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 7 की पी पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है और इसकी बुक वैल्यू है जो 174 रुपया आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड बहुत शानदार देते हैं, 6.53% की यहाँ पे डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत शानदार अपने डिविडेंड देती हुई नजर आई है अपने शेयर होल्डर को, और इससे यहाँ पे शेयर होल्डर को भी बहुत मुनाफा होता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ EPS की बात करें तो EPS 43.90 रुपया का EPS बनाती है BPCL, और यहाँ पे इतना EPS बनाने के बावजूद भी इसकी शेयर प्राइस है जो 321 रुपया है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे इतनी EPS होने के अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा है, फिर भी 321 रुपया ही इसकी शेयर प्राइस क्यों है? दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले होता है क्या, फ्यूचर डिमांड कितना रह सकता है, फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर प्राइस इनके इंक्रीज होते हैं। ये सेम चीज़ें अगर आप बात करें, इतना अगर EPS होता और एक पावर सेक्टर की कंपनी होती डायरेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी होती, तो यहाँ पे इसकी शेयर प्राइस आपको इतना पे नहीं, कम से कम 3,000 रुपये आपको देखने को मिलता रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आती तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी जो डिमांड है धीरे धीरे मूव होता हुआ रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा है, चीज़ें गाड़ियाँ हैं जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं इसको उससे यहाँ पे नुकसान जरूर होता हुआ दिखेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी के लिए तो फिर भी यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलते हैं, बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की अगर हम बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये दोनों चीज़ें कंपनी का काफ़ी शानदार आपको नजर आता है। और यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, जो पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे फिर भी डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम हो गया है कंपनी का, क्योंकि इनकी रिजर्व्स बढ़ गए हैं। डेप्ट कम नहीं हुआ, लेकिन रिजर्व्स जरूर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेप्ट इक्विटी बहुत कम गया है। यहाँ पे 73,499 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स रखा हुआ है। दोस्तों, प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग 53% के साथ यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे RSI की बात करें तो RSI अभी बहुत निचले स्तर पे आपको देखने को मिला है, 36 की RSI पे यहाँ पे स्टॉक है जो ट्रेड करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, FIS एंड DIS की बात करें तो इन दोनों को भी यहाँ पे इस कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं, यानी मतलब इस कंपनी के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ग्राहम नंबर प्राइस की बात करें तो ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 415 रुपये एटलीस्ट
होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 415 से यहाँ पे 315 के करीब ही आपको देखने को मिल रहा है, यानी 100 रुपीज वहां से ग्राम नंबर प्राइस से आपको डाउन साइड प्राइस देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कूल की बात करें तो 8 की रेटिंग है, जो एक बहुत शानदार रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास अगर हम बात करें एक तरह से कैपेसिटी की, रिफाइनरी जो कैपेसिटी है उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिले, टोटल कैपेसिटी आपको कंपनी का देखने को मिल रहा है 35.3 मिलियन MMTPA आपको टन पर एनम आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिफाइनरी लोकेशन अगर देखें तो मुंबई, कोची, बीना, मध्य प्रदेश के अंदर इन सभी जगह पे इनका एक तरह से कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है, कहाँ कहाँ पे कि लोकेशन वाइज से। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की बात करें खास करके, तो बड़े इन्वेस्टर रिसेंटली हैं जो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं FIIs भी सितंबर क्वार्टर में अपनी स्टेक है जो इंक्रीज किए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें DIIs की, तो DIIs भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे होल्डिंग है 0.94% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलता है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे फिलहाल कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन गवर्नमेंट की होल्ड जो प्रमोटर है, खास करके अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे अगर हम कैश फ्लो की बात करें कंपनी के, तो फिलहाल मार्च 2024 की नेट कैश फ्लो है जो निगेटिव में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें कंपनी का, तो इक्विटी कैपिटल है जो यहाँ पे एक तरह से 2136 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स कंपनी रिसेंटली बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की CWIP में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें, तो बहुत शानदार यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में कंपनी अपनी टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बढ़ाती हुई नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो फिलहाल अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रीवियस क्वार्टर है का जो रिजल्ट्स आया था उसमें वो बहुत खास नहीं था रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि 2842 करोड़ का मात्र कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो 10644 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और यहाँ पे कंपनी का सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन में 14% से मार्जिन गिर के 5% पे आता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों अपकमिंग रिजल्ट्स डेट की अगर हम बात करें, तो आज के डेट में ही Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने वाली है, तो देखना होगा कि आज के डेट में कंपनी किस प्रकार से रिजल्ट्स देती है। क्या यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का जो ये डेटा है, क्या ये फिर से डाउन होता हुआ नजर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर प्राइस पे भी एक्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।